खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे उज्जैन आलोट संसदीय सीट पर चुनावी माहौल शबाब पर आ गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन के महितपुर में आम सभा को संबोधित किया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व विधायक स्वर्गीय कल्पना परुलेकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कमलनाथ ने कहा कि कल्पना परुलेकर के जाने से जो रिक्त स्थान है उसे भर पाना नामुमकिन है। फिर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया और अपने 75 दिन की उपलब्धियों का बखान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मोदी जी, अब आपको पैंट पहनना और पजामा बांधना नहीं आता था, तब तक इस देश में नेहरू जी और इंदिरा गांधी आर्मी नेवी एयरफोर्स सैनिक स्कूल बन चुके थे। ऐसे में ये कहना कि उनके हाथों से देश सुरक्षित है बताकर वोट मांगना बेमानी है। कमलनाथ ने कहा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने और स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का वादा कर मोदी सरकार ने करोड़ों युवाओं की नौकरियां छीनकर उनका भविष्य खराब कर दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि मोदी जी ने गंगा साफ करने और शिवराज सिंह ने नर्मदा और शिप्रा साफ करने की बात कहते हैं, लेकिन क्या गंगा नर्मदा शिप्रा साफ हुई? हाँ, नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण के नाम पर 600 करोड़ का घोटाला जरूर कर दिया। उन्होंने उन राष्ट्रीयकृत बैंकों को साफ चेतावनी दी कि जो किसानों का कर्जा माफ करने में नानुकुर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक वालों सुन लो, ऐसी उनकी शाखाएं नहीं चलेंगी। उन्होंने सवाल पूछा कि बैंक क्या उद्योगपतियों के लिए ही है? अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार अब तक 21 लाख किसानों का कर्जा माफ कर चुकी है और सभी 47 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर भी झूठ बोल रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ऐसे किसान के बेटे थे जिन्होंने किसान के पेट पर ही लात मारी और छाती पर गोली। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल बाद भाजपा ने जब हमें प्रदेश सौंपा तब भ्रष्टाचार, बलात्कार, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 था। हमारी सरकार ने बिजली बिल आधे कर दिए, कन्यादान योजना की राशि बढ़ाकर 51,000 की, पेंशन की राशि दोगुनी कर दी। उन्होंने कहा कि सच्चाई का साथ दो, भाजपा के 15 साल और कांग्रेस के उनके कार्यकाल को देखकर अपना वोट दें, क्योंकि आपका वोट ही भविष्य तय करेगा। उज्जैन आलोट से बाबूलाल मालवीय को जिताए, मैं वादा करता हूं कि भोपाल से उज्जैन और महितपुर नहीं बल्कि उज्जैन और महितपुर भोपाल को चलाएंगे। इस पहले विधायक महेश परमार, मनोज चावला, रामलाल मालवीय, दिनेश जैन बोस, सरदार सिंह चौहान आदि ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इसी के साथ महितपुर के जाने माने चेहरे एवं आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष मुबारक मंसूरी MMM ने अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कि हम मध्य प्रदेश के 47 लाख किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ करेंगे। जो डिफॉल्टर है केवल उनका ही नहीं, जिनके चालू खाते हैं उनका भी कर्जा माफ करेंगे। शिवराज सिंह चिल्ला रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कर्जा नहीं माफ होगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूँ, 15 साल आपने झूठ बोला है, 15 दिन और बोल लीजिए, 15-20 दिन और झूठ बोल लीजिए। और आप तो किसान के बेटे बनते थे, याद है, जगह जगह चिल्लाते थे मैं किसान का बेटा हूँ। ऐसे किसान के बेटे थे जो किसान के पेट में मारी लात और छाती में मारी गोली और आप किसान के बेटे बनते थे। सुन लीजिए मोदी जी, कि मध्य प्रदेश की जनता, हमारे उज्जैन के लोग, महितपुर के लोग बहुत समझदार हैं, गरीब हैं, बोले वाले हैं, सीधे हैं, पर आप उन्हें ठगना चाहो, ये ठगने वाले नहीं हो, आप उन्हें ठग नहीं पाओगे। अभी तो 5 महीने पहले मामा को रवाना किया था, अब तो चौकीदार को रवाना करने के लिए तैयार है। तो मैं आपसे ज्यादा नहीं कहते हुए आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा, ये तस्वीर आप सबके सामने है। प्रश्न हमारे भविष्य का है, हमने 75 दिनों में अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने कहा था हम कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ की शुरुआत करी 75 दिनों में। हमने कहा था हम बिजली आदि करेंगे, हमने बिजली आदि करी। हमने कहा था
100 रुपए सर यूनिट किया। हमने कहा था हम पेंशन बढ़ाएंगे, 2 महीने में 300 से 600 रुपए किया, 1000 रुपए करने जा रहे हैं। हमने कहा था हम विवाह के लिए शादी के लिए 51,000 रुपए देंगे, हमने दिया। हमने कहा था हम आरक्षण 27% आरक्षण अपने पिछड़ी जातियों का करेंगे, किया। ये सच्चाई आप सबके सामने है और मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये सच्चाई का साथ दीजिएगा। प्रश्न मध्य प्रदेश के भविष्य का है, प्रश्न हम सबके भविष्य का है। हमारे उम्मीदवार जो है बड़े सरल स्वभाव के बाबूलाल मालवीय जी, ये दिल्ली जाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, ये तो करेंगे, पर याद रखिएगा। खबर समय जगत के लिए महितपुर से जुबैर खान की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।